मात्र 7 दिनों के अंदर, 7 दिनों के अंदर यहां पर इनके चैनल पर देखिए 7 लाख सब्सक्राइबर बढ़े हैं। अब आप लोग को सुन के तो यकीन नहीं हो रहा होगा, मुझे पता है, लेकिन यहां पर आप लोग लाइव देख लीजिए, ठीक है। ये चैनल है, ये चैनल आपके सामने जरूर आया होगा, क्योंकि ये चैनल जो है इस समय बहुत ही वायरल चल रहा है, ठीक है। इनकी वीडियो जो है इस समय बहुत ही वायरल चल रही है, और इस तरह ये जो इनका टाइटल है किस तरह से वायरल चल रहा है, एक तरह से आप देहाती लड़का, ये अपने हर वीडियो में देहाती लड़का कैप्शन लिखते हैं, तो इस तरह से देखिए इनका चैनल। और यहाँ पर आप लोग सब्सक्राइबर देखिए, सबसे पहले 9.72 लाख सब्सक्राइबर, और जो रिसेंटली इनके 7 लाख सब्सक्राइबर है ना, वो मात्र 7 दिन के अंदर बढ़े, 7 दिनों के अंदर इनके 7 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर बढ़े। अगर आपको यकीन नहीं होता ना, तो मैं आपको बता दूं, मनोज देसर ने इनका इंटरव्यू लिया था अपने चैनल पर, ठीक है। आप लोग मनोज देसर को जानते होंगे, मनोज देसर के चैनल पर जाइए, अभी 1 हफ्ते पहले उन्होंने इनका इंटरव्यू लिया, तब इनके चैनल पर जो है केवल 1 लाख सब्सक्राइबर थे, 1 लाख से कम ही थे, लेकिन जब मनोज देसर ने इंटरव्यू लिया अपने चैनल पर, उसके बाद से इनके चैनल पर 7 दिनों में 7 लाख सब्सक्राइबर बढ़े, यानी कि केवल 1 हफ्ते में इनके चैनल पर देख ले, यहाँ पर देखिए 1 मिलियन सब्सक्राइबर होने वाले, 10 लाख के आसपास सब्सक्राइबर होने वाले। और मुझे पता है जब तक आप ये लोग ये वीडियो देखो ना, तब तक यहाँ पर इनके 10 लाख सब्सक्राइबर भी हो जाएंगे। अभी मैंने इनके ऊपर रिसेंटली 2 दिन पहले वीडियो बनाई है, तब आप लोग जाके चेक कर लो, इनके चैनल पर 7 लाख सब्सक्राइबर थे, 7 पॉइंट कुछ थे, 8 लाख होने वाले थे। अब देखिए 2 दिन के अंदर इनके चैनल पर देख रहे हैं 9.5 लाख के ऊपर सब्सक्राइबर हो गए। तो इस तरह से जो है YouTube पर काम किया जाता है, ठीक है। आज की वीडियो में आप लोग को YouTube पर काम करने का तरीका बताऊंगा कि आप लोग को कैसे YouTube पर काम करना है, ठीक है। यहाँ पर मैंने देखा जो छोटे छोटे यूट्यूबर होते हैं, जो छोटे क्रिएटर होते हैं, वो 50-50 सब्सक्राइबर के लिए मरते रहते हैं कि मेरे सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे हैं, मेरे सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे, 1-1, 2-2 सब्सक्राइबर के लिए तरसते रहते हैं। लेकिन यहाँ पर जब तक आप लोग सही तरीके से काम ही नहीं करोगे यूट्यूब पर, तब तक आप लोग जितनी मेहनत कर लो, आप लोग के सब्सक्राइबर नहीं बढ़ने वाले। अगर आप लोग मेरे चैनल पर भी देखो तो 2000 सब्सक्राइबर मैंने ऐसे नहीं गेन कर लिए, ठीक है। मैं भी पिछले कम से कम 8 से 9 महीने से लगातार यूट्यूब पर काम कर रहा हूँ, और अभी भी मैं सब्सक्राइबर बढ़ा ही रहा हूँ, अभी भी मैं किसी तरह काम कर करके 1-1, 2-2, 3-3 सब्सक्राइबर मेरे बढ़ ही रहे। तो अगर आप लोग भी सब्सक्राइबर गेन करना चाहते हो, अपनी चैनल को ग्रो करना चाहते हो, व्यूज बढ़ाना चाहते हो, तो वीडियो ध्यान से देख लेना, मैं आपको काम करने का तरीका बताने वाला हूँ। और यहाँ पर जो साइड में चैनल ग्रो हुआ है, ये किस वजह से ग्रो हुआ है, लास्ट 7 दिन के अंदर 7 लाख सब्सक्राइबर बढ़े हैं, वो तो मनोज देसर ने इंटरव्यू लिया इसलिए बढ़े, लेकिन उसके पहले इन्होंने कितनी मेहनत कर डाली, आप लोग देखिए इनके चैनल पर, ठीक है। यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ इनके चैनल पर, देखिए 421 वीडियोस अभी पड़ी है, यानी कि 421 वीडियो ने डाल दी अपने चैनल पर, तब जाके इनका चैनल जो है ग्रो हुआ है। और मनोज देसर ने जब इनका इंटरव्यू लिया, तब ये अच्छा खासा इनके चैनल पर वीडियो, मतलब क्या कहते हैं, व्यूज आता था, 50-60 हज़ार एवरेज व्यूज आ जाता था, तभी तो मनोज देसर ने इंटरव्यू लिया, और उसके बाद से इनका चैनल रॉकेट की तरह और उड़ गया। लेकिन उसके पहले इनकी क्या कहानी थी वो मैं आपको बताने वाला हूँ, जिससे आप लोग भी समझ सको कि यूट्यूब पर कैसे काम करना है, ठीक है। यहाँ पर ये चैनल आप लोग देख रहे हो, गरीब MS व्लॉग्स, ठीक है। अब यहाँ पर मैं आपको इनकी वीडियो दिखाता हूँ, ठीक है। आप लोग जानते हो कि यूट्यूब पर एक देहाती लड़का नाम से यही है वो, ठीक है। आप लोग के सामने इनकी वीडियो जरूर आई होगी, मैं आपको मोस्ट पॉपुलर दिखाता हूँ, ठीक है। और मोस्ट पॉपुलर में ये वाली वीडियो आपके सामने जरूर आई होगी, यूट्यूब फर्स्ट पेमेंट, जिस पर 2 महीने में कम से कम 20 लाख सबके ऊपर व्यूज आ चुके हैं, ये वीडियो जरूर आई। उसके नीचे देखिए, मनोज देसर ने देहाती लड़के का लिया इंटरव्यू, उसी के बाद से इनके चैनल पर 7 दिन में 7 लाख सब्सक्राइबर बढ़े। तो यहाँ पर देखिए इस टाइप से कंटेंट बनाते हैं। यहाँ पर देखिए, देहाती लड़का पहली बार झूला, सबसे बड़ा झूला, तो ये अपने हर एक वीडियो में टाइटल में देहाती लड़का जरूर लिखते हैं, इसी वजह से जो है एक देहाती लड़के के नाम से भी फेमस है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको इनकी पुरानी कहानी बताता हूँ, जिससे आप लोग भी मोटिवेट हो सको, ठीक है। यहाँ पर मैं आपको इनको इनकी जो ओल्ड वीडियो उस पर लेके चलता हूँ, ठीक है, जो पुरानी वीडियो जो पहले डालते हैं, ठीक है। ओल्ड वीडियो मैं आपको नीचे लेके चलता हूँ, सारी चीजें बताता हूँ कि आखिर कैसे इन्होंने काम करके अपने चैनल को ग्रो किया, कैसे इन्होंने बूस्ट किया, ठीक है। आप लोग को पता नहीं होगा, ये पहले अपने इसी चैनल पर गेमिंग करते थे, गेमिंग खेलते थे, गेम खेलते थे, जैसे आप लोग देखते होंगे अब प्रेजेंट टाइम में बहुत सारे लोग गेम खेलते हैं, तो इनका चैनल पहले क्या करते थे, गेम खेलते थे, ठीक है। गेम खेलते 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 इन्होंने अपने चैनल पर व्लॉग डालना चालू कर दिया, और आप लोग रिसेंटली देखी लो व्लॉग वीडियो पर। तो यहां पर देखिए, ये इनकी पुरानी वीडियो है, वो पुरानी वीडियो देखिए, 1 साल पहले इन्होंने वीडियो डाली थी कोई, ठीक है, उस पर देखिए 57K व्यूज आए थे। उसके बाद देखिए 1 साल पहले 16,000, फिर 10,000, फिर 5.8K, ठीक है। ये तो बहुत पुरानी वीडियो है, और गेमिंग की वीडियो डालते हो, गेमिंग की वीडियो की लेंथ देखिए आप लोग, 24 सेकंड, 29 सेकंड, 34 सेकंड, 25 सेकंड, 18 सेकंड, यानी 15-15, 20-20 सेकंड के जो गेम होते हैं, गेम को वही खेलते थे, उसी को डाल देते थे, ठीक है। अब ये इनका खुद का गेम था कि किसी और का था वो तो भगवान जाने, लेकिन ये पहले इस तरह से काम करते थे। उसके बाद देखिए आप लोग, इनके तब व्यूज कितने आते थे, आप लोग यहाँ देखिए सारी चीजें, ठीक है। 1 साल पहले 1.3 के, यानी कि 1300, 931, 902, 1200, 859, देख रहे हैं आप लोग व्यूज किस हिसाब से आते थे। आप लोग देखिए व्यूज चेक करिए ना, पहले कितने आते थे, देखिए
569, 500 व्यूज, 675, 502, 574, ठीक नीचे देखिए 687, तो इस तरह से व्यूज आते थे। और पहले ये गेमिंग की वीडियो डालते थे, गेमिंग अपने मतलब इसी चैनल पर डाला करते थे, और ये रेगुलर काम करते गए, धीरे धीरे बीच बीच में व्लॉग भी डाल देते थे। देखिए पहले का इनका कंटेंट देखिए, ठीक पहले का आपने देख लिया, 25-25 सेकंड की केवल गेमिंग ही डालते थे, जिससे इन्होंने क्या किया सब्सक्राइबर बेस बनाया, यानी कि सब्सक्राइबर बढ़ाए अपने। ठीक है, आप लोग करते क्या हो, 2 दिन, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन काम करते हो, यूट्यूब छोड़ देते हो, तो यही तो इन्होंने नहीं किया। ठीक, इन्होंने डेली अपने चैनल पर वर्क किया, डेली काम किया। पहले गेमिंग की वीडियो डालते थे, डेली डालते थे, एक दिन में 2-2 वीडियो डालते थे, इन्होंने सब्सक्राइबर बेस पकड़ा, सब्सक्राइबर बेस बढ़ाया, उसके बाद धीरे धीरे व्लॉगिंग करने लगे। ठीक है, यहाँ पर देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए बीच बीच में ये इस तरह लाइव आके अपना फेस दिखा के मतलब लाइव आते थे, जिससे लोग इनके फेस को जाने, क्योंकि गेमिंग ऑडियंस थी इनके पास। और ये धीरे धीरे एक हफ्ते में 1 दिन, 2 दिन लाइव आ जाते थे, जिससे क्या कहते हैं ऑडियंस इनको जानने लगी। ठीक है, इनकी फेस वैल्यू बनने लगी। उसके बाद देखिए यहाँ पर देखिए क्या दिखाया, मेरा प्यारा घर, धीरे धीरे व्लॉगिंग करने लगे अपने इसी चैनल पर, धीरे धीरे व्लॉग स्टार्ट करने लगे, वो गेमिंग करते थे बीच में और व्लॉग डालते गए। तो इस तरह जो है ये अपने पिछले 1 साल से 1.5 साल से अपने इस चैनल पर काम करते रहे, और आखिर में इनकी एक वीडियो वायरल हो गई। यहाँ पर आप लोग देख रहे हो ये वाली वीडियो, यूट्यूब फर्स्ट पेमेंट, ये वीडियो इनकी वायरल हुई, और मनोज देसर ने भी ये वीडियो देखी। फिर उसके बाद मनोज देसर ने इनका क्या कहते हैं चैनल विजिट किया, तब इनके एवरेज 40-50 हज़ार व्यूज आते थे अच्छे खासे। तब मनोज देसर को इच्छा लगा, तभी मनोज देसर ने इनके ऊपर कमेंट किया, कमेंट करने के बाद इनके ऊपर वीडियो बनाई, और उसके बाद इनके चैनल पर 7 दिन में 7 लाख सब्सक्राइबर गेन कर लिया इन्होंने। तो इस तरह जो है इन्होंने अपने YouTube चैनल पर काम किया। ठीक है, डेली मेहनत करते गए, डेली वर्क करते गए, इन्होंने ये नहीं सोचा कि भाई मेरे व्यूज कम आते, मेरे सब्सक्राइबर कम है या ये है वो, कुछ नहीं, बस ये डेली काम करते गए। तो इसी तरह से आपको भी मेहनत करनी है। ठीक है, YouTube पर सफल होने का एक ही राज है, एक ही सक्सेस मंत्र है, वो है कंसिस्टेंसी। आपको कंसिस्टेंट होना पड़ेगा YouTube पर। ठीक है, आप जैसे किसी टाइप का चैनल बनाते हो, अगर आप लोग डेली वीडियो डालते हो तो डेली डालो, एक दिन भी गैप ना करो। ठीक, कंसिस्टेंसी बहुत मैटर करती है आपके चैनल को ग्रो करने में। ठीक है, आपको डेली कंटेंट देना, अगर 2 दिन बाद देते हो 2 दिन बाद जरूर अपलोड करो, 3 दिन बाद देते हो 3 दिन बाद जरूर अपलोड करो। वीडियो का एक टाइम फिक्स कर लो कि हाँ मुझे डेली देना है, 2 दिन बाद देना है, 3 दिन बाद देना, उसी हिसाब से करो। हाँ, लंबा गैप मत करो। बहुत से लोग देखते हैं कि रोज वीडियो डालते हैं, पता चला 10 दिन फिर वीडियो ही नहीं डाली, पता नहीं किस वजह से नहीं, देखते हैं कि व्यूज नहीं आ रहे, वीडियो नहीं डालेंगे, तो इससे जो है उनकी चैनल की ग्रोथ कम हो जाती, चैनल की रीच कम हो जाती। तो इस तरह से आपको काम करना है। ठीक है, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन काम करके आप यूट्यूब छोड़ देते हो, उसके बाद सोचते हो भाई व्यूज ही नहीं आ रहे, सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे, छोड़ देता हूं, तो ऐसे काम नहीं चलेगा। ठीक है, आपको कंसिस्टेंट होकर 2 से 3 महीना लगातार काम करना पड़ेगा, तब आपको समझ में आएगा कि हाँ भाई मुझे YouTube पर क्या, तब आपको दिखेगा कि किस तरह से काम करना है, किस तरह से मेरी वीडियो लोग देख रहे हैं, कैसी वीडियो देख रहे हैं, कैसे सब्सक्राइबर लग रहे हैं, तब आपको पता चलेगा। ठीक है, तो कंसिस्टेंस होना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप लोग सबसे पहले तो चैनल बनाओ, चैनल पर कंसिस्टेंट रहो। ठीक है, 15 दिन, 20 दिन, 3 महीना तक काम करो, उसके बाद आपको कुछ पता चल जाएगा कि आपकी वीडियो कौन सी ऑडियंस ज्यादा देख रही है, उसी टाइप से वीडियो निकालते जाओ। देखना एक दिन आप भी सक्सेस हो जाओगे। जैसे यहाँ पर ये देखिए, पहले गेमिंग डालते सब्सक्राइबर बेस बनने लगे, उसके बाद बीच बीच में लाइव आने लगे, अपने फेस वैल्यू दिखाने लगे, लोग इनको जानने लगे, फिर धीरे धीरे वीडियो डालते गए। और आप प्रेजेंट टाइम में देखिए, उन्होंने 7 दिन में मात्र 7 लाख सब्सक्राइबर गेन किए। अब देखिए इनके यहाँ पर देखना, जब तक आप लोग ये वीडियो देखोगे ना, तब तक यहाँ पर इनके जो है 1 मिलियन सब्सक्राइबर कंप्लीट हो जाएंगे, 10 लाख सब्सक्राइबर कंप्लीट हो जाएंगे, ये गारंटी मैं दे रहा हूँ। जब तक आप लोग ये वीडियो देखोगे, 10 लाख के ऊपर इनके सब्सक्राइबर होंगे। तो इस तरह से जो है आप लोग को यूट्यूब पर काम करना है। ठीक, और इनका एक और चैनल है, यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, यहाँ पर एक और चैनल आप लोग ये देख लीजिए, मुकेश सहनी नाम से, ये उन्होंने भी रिसेंटली चालू किया, उस पर भी देखिए 33,000 सब्सक्राइबर हो गए। तो अगर आप लोग की एक बार फेस वैल्यू बन गई, तो आप चाहे जितने चैनल क्रिएट कर लो, सब पे आपको सब्सक्राइबर देखना पानी की तरह मिलेंगे। तो इस तरह देखिए, और यहाँ पर चैनल मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए 4 जनवरी 2022, यानी इनके चैनल को भी 1 साल से ऊपर हुआ है। तो मैंने क्या बताया आपको, पिछले 1 साल से कंटिन्यू होकर काम कर रहे हैं। 1 साल में कितने दिन होते हैं, 365 दिन होते हैं, और इनके चैनल पर आप लोग वीडियो देखिए कितनी पड़ी है, कम से कम 400 वीडियो पड़ी, यानी कि एक दिन में 2-2 वीडियो भी अपलोड कर देते थे अपने चैनल में। यहाँ पर देखिए 421 वीडियो पड़ी है, यानी इन्होंने एक एक दिन में 2-2 वीडियो भी अपलोड करी हुई है। तो इस तरह से आपको काम करना है। ठीक, यूट्यूब पर सफल होने का सिर्फ एक ही मूल मंत्र है, वो है कंसिस्टेंसी। आपको कंसिस्टेंस होकर यूट्यूब पर काम करना पड़ेगा, यूट्यूब को टाइम देना पड़ेगा। ठीक है, अगर आपको यूट्यूब से पैसा कमाना है, यूट्यूब से अर्निंग करना है ना, तो टाइम तो देना ही पड़ेगा। ये नहीं कि 2 दिन काम करो, 4 दिन बैठ जाओ, फिर 3 दिन काम करो, फिर 4th दिन बैठ जाओ, ऐसे नहीं, आपको मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। तो यहाँ पर देखिए, मैंने आपको सारी चीजें बता दी कि आपको किस तरह से काम करना है। ठीक है, यहाँ पर मैंने आपको चैनल भी दिखा दिया है कि कैसे इन्होंने वर्क किया है। तो आई होप आप लोग को वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, वीडियो से आप लोग कुछ भी मोटिवेट जरूर हुए होंगे। तो अगर आप लोग वीडियो से मोटिवेट हुए हो, तो वीडियो एक बार लाइक जरूर कर दीजिए। चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल पर आपको ऐसे नई नई वीडियो देखने को मिलती रहती है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को जरूर दबा लीजिए। तो चलिए फिर आप लोग से मिलते हैं किसी और नई वीडियो में, तब तक के लिए जय।